दोस्तों क्या होगा अगर आप एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाएं जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का राज चलता हो, जहां आदमियों को गुलाम बना कर रखा जाता हो और उन पर खूब अत्याचार किया जाता हो। आज की हमारी ये मूवी इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2802 में पृथ्वी से दो एस्ट्रोनॉट जैक और एडम अपने स्पेसशिप से एंटरिस नाम के प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। नासा की रिसर्च टीम का कहना है कि इस प्लेनेट पर इंसान के होने की संभावना है। दरअसल बात यह है कि पृथ्वी पर एक अननोन वायरस की वजह से वहाँ की महिलाएं बंजर हो चुकी हैं, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कैपेबल नहीं है। इसलिए इनका मिशन पृथ्वी के लड़कों के लिए उस प्लेनेट से कुछ सुंदर महिलाओं को मना करके लाना होता है, ताकि पृथ्वी पर इंसानों की ब्रीड खत्म ना हो। जब स्पेसशिप उस प्लेनेट के करीब आता है तो अजीब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खराब हो जाता है। स्पेसशिप एडम और जैक के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उस प्लेनेट के सरफेस पर क्रैश हो जाता है। हालांकि उस क्रैश में इन्हें बहुत थोड़ी सी चोट आई थी, पर धुएं में उनका दम घुटने लगता है, इसलिए वो उसमें से बाहर आ जाते हैं। यहाँ का नजारा देखकर हमें पता चलता है कि ये ग्रह पूरी तरह से बंजर है और यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। इन्हें लगता है कि इनका यहाँ आना बेकार रहा। और जब एडम जैक के घाव को हील करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है, तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करने पर वो एक बच्चे से मिलता है। जब एडम उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो लड़का बोलता है कि स्नैक हेड्स पास में ही है और वो वहां से भागने लगता है। एडम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोला, पर उसका पीछा करने पर वो सब समझ जाता है, क्योंकि स्नैक हेड्स ग्रुप की लड़कियां उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। वो बच्चा इन्हीं के बारे में सब बता रहा था। स्नैक हेड ग्रुप टैक्सन के लिए काम करता है और टैक्सन के कहने पर ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी मार सकती हैं। स्नैक हेड्स की पहचान इनके कपड़ों से होती है, ये हमेशा ब्लैक टाइट पैंट में होती हैं और यही इनका ड्रेस कोड है। तभी वहाँ एक भूकंप आता है जिसे नापने के लिए एडम अपने दोस्त जैक को कॉल करके बोलता है। इसके बाद एडम उनका पीछा करते हुए एक टेम्पल तक आ जाता है। यहाँ औरतों के ग्रुप को देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ महिलाओं का राज चलता है और पुरुषों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, जिनमें से तंदुरुस्त मर्दों का इस्तेमाल वो बच्चा पैदा करने के लिए करती हैं। मंदिर में ये औरतें अपने नाग देवता की पूजा करती हैं। यहाँ हम टैक्सन को देखते हैं, स्नैक हेड ग्रुप इसी के लिए काम करता है। फिर हमें इनके नाग देवता को दिखाया जाता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये औरतें उसी छोटे बच्चे को यहाँ लेकर आती हैं, उसे अपने नाग देवता को फीड कराने के लिए। ये सब देखकर वहाँ एडम बहुत हैरान हो रहा था। तभी टैक्सन बोलती है हमारे नाग देवता को खुश करने के लिए हमें इस बच्चे का बलिदान करना होगा। अब ये बात सुनकर उस लड़की की बहन जिसका नाम डव होता है, वो टैक्सन और उसके ग्रुप की लड़कियों से लड़ने लगती है। तभी उनका नाग टैक्सन की लड़कियों पर अटैक कर देता है और एक लड़की को जिंदा निकल जाता है। गुस्से में टैक्सन अपनी लड़कियों को डब को पकड़ने के लिए कहती है। तभी हम यहाँ की रानी सुमुरु को देखते हैं, जो कि टैक्सन के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल यहाँ पर ये सभी लड़कियाँ दो ग्रुपों में बटी होती हैं, कुछ टैक्सन के लिए काम करती हैं और कुछ यहाँ की रानी के लिए। डब रानी की सैनिकों में से एक होती है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आगे आती है और टैक्सन को कहती है डब ने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। ये दोनों यहाँ पर बहस कर ही रहे थे, तभी एडम को कॉल आता है जिससे ये लोग उसे देख लेती हैं। टैक्सन अपनी लड़कियों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। तभी एडम अपनी गन की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। भगदड़ के कारण वो लड़का भी उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एडम उस लड़के को साथ लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। एडम यहाँ से निकलने वाला था, तभी टैक्सन की एक लड़की उसे एक जहरीला तीर मार देती है, पर जैक और उस लड़के की मदद से वो उस स्पेसशिप में पहुंच जाता है, पर तीर में लगे जहर की वजह से वो बेहोश हो रहा था। तभी रानी सुमुरु अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहां पहुंचकर टैक्सन की लड़कियों को वहां से जाने का बोलती है, पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि यहां महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मारना पूरी तरह से कानूनी है। पर सुमुरु कहती है कि मैं यहां की रानी हूं, मेरा कहना ना मानना भी कानून तोड़ने के बराबर है। रानी की अब ये बात सुनकर उसे वहां से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं रानी की मदद से एडम पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहां पर जैक एडम से कहता है ये ग्रह बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है यहां के भूकंपों की वजह से। मेरा स्कैनोमीटर बता रहा है कि इस ग्रह के पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, उसके बाद ये तबाह हो जाएगा। तभी रानी एडम से मिलने आती है और एडम उसे बताता है कि इस ग्रह के लोग भी पृथ्वी के ही वंशज हैं।
दरअसल 1000 साल पहले रिसर्च टीम ने कुछ लोगों को यहाँ इस ग्रह पर भेजा था। 100 सालों तक तो दोनों ग्रहों के बीच कम्युनिकेशन चलता रहा, पर इसके बाद संपर्क टूट गया। रानी को भी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी उसे पृथ्वी ग्रह के बारे में बताया था। अब यहाँ रानी टैक्सन के बारे में उसे बताती है कि वो शाही परिवार से है और वो खुद यहाँ की रानी बनना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे ना चुनकर मुझे चुना, जिससे वो लोगों को इकट्ठा कर अपनी फौज बना रही है ताकि उनके बल पर वो यहाँ की रानी बन जाए। इसके बाद रानी एडम को अपने साथ एक खदान में ले जाती है, जहाँ मर्दों को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। वो उसे बताती है यहाँ मर्दों का यूज सिर्फ मजदूरी कराने या बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, और जो मर्द हमें खुश करने से इनकार कर देता है उसे मार दिया जाता है। एडम को रानी की बात सही नहीं लगती और वो उसकी टाइट पैंट देखकर कमेंट करने लगता है, तो रानी उसे सबक सिखा देती है। इसके बाद जब रानी के सैनिक उसे ले जा रहे थे, तभी टैक्सन का ग्रुप उन पर अटैक कर देता है और वो रानी के सभी सैनिकों को मार देता है। जब एडम को टैक्सन के सामने लाया जाता है, तभी वो उसे ग्रुप में शामिल होने को बोलती है, जिसे एडम इनकार कर देता है, जिसकी वजह से टैक्सन उस पर हमला कर देती है। एडम को कुछ हो पाता उससे पहले रानी जैक को साथ लेकर वहां पहुंच जाती है और टैक्सन को एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। रानी अपने कपड़े चेंज करती है। इसके बाद ये लोग यहाँ की सुरंगों से बाहर निकलते हैं। तभी जैक एडम को बताता है कि अब उनके पास और भी कम टाइम बचा है, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये बात जब एडम रानी को बताता है, तो वो उसे अपने गले से निकालकर एक डिवाइस देती है। ये डिवाइस उस स्पेसशिप की चाबी थी, जिससे 1000 साल पहले कुछ लोग पृथ्वी से यहाँ आए थे। ये बात सुनकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी तरह वहाँ पहुंचकर अगर ये लोग उस पुराने स्पेसशिप को ठीक कर लेते हैं, तो ये लोग इस ग्रह से निकल पाएंगे। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और टैक्सन के द्वारा कैद किए आदमियों को भी छोड़ा लेते हैं, जिन्हें गुलाम बनाकर यहाँ बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो रानी इन्हें बताती है कि अभी हमें काफी दूर चलना होगा। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां स्पेसशिप होता है। तभी टैक्सन भी वहां अपने ग्रुप के साथ पहुंच जाती है। अब इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है। एडम अपने हथियार से टैक्सन की कई लड़कियों को मार देता है और अब सिर्फ टैक्सन ही जिंदा बची होती है, और अब वो रानी को फाइट के लिए चुनौती देती है, जिसे रानी भी एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे तो रानी टैक्सन पर भारी पड़ रही होती है, पर लड़ाई के दौरान रानी की दोनों टांगे एक जगह लोहे की जाली में फंस जाती हैं। तभी टैक्सन उसका फायदा उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मार देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और जब वो उसके पेट में चाकू घुसाने वाली थी, तभी एडम उसके पेट में गोली मार देता है। अब कंट्रोल रूम में बैठा जैक स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। रानी के दिल में पुरुषों के लिए जो नफरत थी वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाने का फैसला करती है। इसके बाद रानी बाहर आती है और उन लोगों से कहती कि हमारा ग्रह खत्म होने वाला है, इसलिए हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाति धर्म किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और अंदर आने लगते हैं। जैक स्पेसशिप को उड़ाने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो नाग आ जाता है और स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। तब एडम जैक को स्पेसशिप स्टार्ट करने के लिए कहता है, और जब ऐसा होता है तो वो नाग स्पेसशिप से निकलने वाली आग से मर जाता है। आखिर में ये लोग एंटेरिस ग्रह को पार कर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।